हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे हो आप दोस्तों। आज मैं आपको हाली पार्क पानीपत में लेकर आया हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हाली पार्क नवा बनकर तैयार हो रहा है और ये कैसा है। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है दोस्तों। मैं अभी आपको इसका चारों ओर का व्यू दिखाऊंगा आपको, इधर का सारा व्यू आपको दिखाऊँगा दोस्तों। ये हाली पार्क पहले 15-20 सालों से लगातार चलता आ रहा था, लेकिन ये बहुत ही ख़राब हो चुका था। मतलब ये इसके किनारे टूट चुके थे, पानी कम गंदा हो गया था, लेकिन सरकार ने इसको दोबारा बनाया है और अब ये दोबारा चालू होगा। अब ये पता नहीं कब चालू होगा, लेकिन इसकी जो साइडें किनारे है, जो इसके ये चुगंदों को, जो जैसे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये चीज़ें नवी बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहे मेरे साथ दोस्तों। बिल्कुल अच्छा पार्क ये बन गया है, ये घूमने के लिए बहुत अच्छा बन गया है। ये इधर ग्रिलें लगी हुई है, जाली लगी हुई है, इधर भी बहुत अच्छी ये दीवारें बना दी है पेंटिंग करके दोस्तों। अब फूल पौधे लगा दिए बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों। ये किनारे पर ये जो फूल और पौधे लगाए हैं दोस्तों, कितने सुंदर है देखिए दोस्तों। ऐसे ही ये लगातार राह से लगा रखे हैं, लाइटों का विशेष प्रबंध यहाँ पर किया हुआ है। अभी इसके अंदर पानी डालकर चालू नहीं किया गया है, ये अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है। ये हाली पार्क बहुत बड़ा क्षेत्र है दोस्तों। ये देखिए सामने से, ये देखिए दोस्तों, कम से कम ये 15 से 20 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है दोस्तों। इधर भी देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों सामने भी, जहाँ तक आपको ये पीला पीला नज़र आ रहा है, इसकी बाउंड्री है। इसके चारों तरफ आप सैर कर सकते हैं, घूम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अंदर घास जमी हुई है। ये घास की सफाई होकर फिर इसमें दोबारा पानी छोड़ा जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हाली पार्क पानीपत के सीमा थिएटर और बाल भवन के पास पड़ता है। ये इधर सामने सीमा थिएटर है ये, और दोस्तों इधर ये बाल भवन है जो सामने तिरंगा लगा हुआ है। जूम करके देखो दोस्तों, ये बाल भवन है। इधर फायर ब्रिगेड का भी ऑफिस है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पार्क में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ दूर दूर तक, आप देखिए। ये दोस्तों इधर से ये पार्क ऐसे जा, इधर से चारों ओर आप इधर से जा सकते हैं दोस्तों। एक पीपल का पेड़ है जो बहुत छाव देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है दोस्तों। इसका डिजाइन बहुत अच्छा किया गया दोस्तों पार्क का। देखिए दोस्तों, अंदर भी कितने अच्छे अच्छे सपोर्ट देकर इसको तैयार किया गया है दोस्तों। अंदर घास बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बीच में एक टापू है, आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों। ये इधर भी दोस्तों देखो, चारों ओर का दृश्य देखिए दोस्तों। जो सामने सीमा थिएटर है, ये बहुत ही पुराना सीमा थिएटर है दोस्तों। ये थिएटर का नाम सीमा थिएटर है दोस्तों। बचपन में हमने बहुत फिल्में इसमें देखी है दोस्तों। अब ये बंद पड़ा है और इसमें सरकार के कुछ ऑफिस बन चुके हैं, प्राइवेट ऑफिस बन चुके हैं दोस्तों। ये किसी ज़माने में बहुत प्रसिद्ध सिनेमा था और ये हाली पार्क भी बहुत ज़बरदस्त था दोस्तों। ये शहर की पूरी रौनक और आन बान शान थी। आज फिर दोबारा हरियाणा सरकार ने इसको दोबारा तैयार किया है, पानीपत प्रशासन ने इसको तैयार किया दोस्तों। अब ये जब इसका उद्घाटन होगा फिर मैं दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन अभी तो ये बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। इसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, इसके चार दीवारी बनकर तैयार हुई है दोस्तों। मैं फिर आपको ये दिखा रहा हूँ, ये चारों ओर का व्यू देखिए दोस्तों। इधर ये सामने इधर बाल भवन है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये मेरे पीछे दोस्तों। यहाँ पर स्कूल में जो बच्चों को प्रोग्राम होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं, वो इसी भवन में होते हैं दोस्तों। सामने हम बचपन में बच्चों को लेकर हम आए थे। तो सरकार के कुछ और ऑफिस है दोस्तों, इधर पासपोर्ट ऑफिस भी दोस्तों इधर ही है। जो पासपोर्ट बनता है तो उसके लिए जो फ़ोटो वगैरह या उसका काम होता है वो यहीं पर होता है दोस्तों। ये दोस्तों ये रामलाल चौक के पास ही पड़ता है दोस्तों। ये जो पार्क है, हाली पार्क है, रामलाल चौक से थोड़ा पीछे काबड़ी मोड़, काबड़ी का एक चौक है, काबड़ी गांव का एक चौक है दोस्तों, उसी के पास पड़ता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको ये आपको दिखाया है हाली पार्क, अभी इसके अंदर घास जमा हुआ है अंदर, देखिए दोस्तों। ये देखिए सारा घास जमा हुआ है दोस्तों। इधर ये टापू भी आपको नज़र आ रहा होगा और इधर ये बाल भवन है और ये बाउंड्री चारों ओर ऐसी बढ़िया बढ़िया बाउंड्री बनाई हुई है दोस्तों। इधर से दोस्तों इधर
बहुत लंबा बाउंड्री है दोस्तों इसकी। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो हमने आपके लिए बनाई है, ये हाली पार्क के लिए बनाई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।